सर उत्तर प्रदेश में आज जो है जब ये तो चीजें साफ हो रही कि ये अब एक वोट जिस ढंग से तुष्टिकरण के वोट के लिए लोग कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में राम गोपाल यादव चर्चा में सबसे ज्यादा रहे। और यादव जी चर्चा में इसीलिए रहे कि उन्होंने आज पूरे मुगलिया गुंडों से ज्यादा हिंदुओं को के ऊपर षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। उन्होंने, आपने इसको रिट्वीट किया है कि फिरोजा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने विवादित बयान देकर चर्चा में आ गए। उन्होंने कहा बुद्ध ने जो बौद्ध स्तूप बनाए थे उनको शंकराचार्यों ने तोड़ दिया। मुगल शासक औरंगजेब से जितने मंदिर तोड़े थे उससे ज्यादा बौद्ध स्तूप शंकराचार्य के शिष्यों ने तोड़ दिए। ये षड्यंत्र क्या आपको लग रहा है, क्या दलितों के वोट के लिए कर रहा है या हिंदुओं को अपमानित करने के लिए इसने ये शुरू किया है? खेल नहीं मनीष तो जी, बता सबसे सकता खेल महत्वपूर्ण है। मुद्दा वो आप भूल गए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जरा हेडिंग दिखा दीजिए ताकि दर्शक देख लें, उसके बाद जो है इसने कहा क्या है, खाली हेडिंग ही समझ में आ जाएगा। हाँ, औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़वाए उससे ज्यादा बौद्ध स्तूप शंकराचार्य ने तोड़े, राम गोपाल यादव का विवादित बयान। ये राम गोपाल यादव महासचिव, अखिलेश यादव के चाचा, और जिस समय यहाँ सरकार हुआ करती थी तो 4.5 मुख्यमंत्री कहे जाते थे, उनमें एक मुख्यमंत्री ये भी आदमी था। ये बड़ा काबिल माना जाता है। कह रहे हो प्रोफेसर साहब बड़े पढ़े लिखे हैं। मनीष जी, तो जो आपने कहा कि एक तो हिंदुओं को अपमानित करना, दलित वोटों को लुभाना, ये तो इसका था ही, लेकिन इसका मेन मुद्दा ये था अब मुसलमानों को खुश करना कि देखो हम औरंगजेब को, तुम्हारे औरंगजेब को जिसको तुम लोग पूजा करते हो, उसको हम शंकराचार्य से भी श्रेष्ठ मानते हैं। इसका बयान क्या कह रहा है, इसके हिसाब से औरंगजेब आदि शंकराचार्य गुरु जी जो हैं उनसे श्रेष्ठ था, उनसे बेहतर था, और ये बता रहा है कि शंकराचार्य औरंगजेब से ज्यादा बड़े पापी थे, ये इसका ये सिद्ध कर रहा है। तो ये कह के ये उन्हीं को खुश कर रहा है, छोटा पजामा बड़ा कुर्ता गैंग को, कि देखो हम औरंगजेब को शंकराचार्य से ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतर मानते हैं। मनीष ये पागल है, अनपढ़ के तो प्रोफेसर कहता ना अपना, तो प्रोफेसर इनके ना लोग, अरे प्रोफेसर साहब बड़े काबिल। दर्शकों को जरा ध्यान मनीष जी याद दिखाओ, भगवान बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म का उल्लेख कम मिलता है मनीष जी, उससे पहले कहीं नहीं मिलता। क्यों, अब बताता हूँ कैसे। कि जब अशोक ने कलिंग की लड़ाई के बाद बौद्ध धर्म स्वीकारा तो फिर उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, उसने जगह जगह स्तूप बनवाए, यही तो मनीष जी इतिहास बताया जाता है। और आज आपको पूरे देश में मिलेंगे जहाँ कहाँ कहाँ सांची का स्तूप है, सारनाथ में, बनारस में, सब जगह है। और जरा अशोक का कालखंड क्या है मनीष जी, ईसा से 232 से 268 वर्ष पूर्व, ईसा से पूर्व यानी 232 से 268 BC, ये अशोक का कालखंड है। तो जब अशोक का ये बताया जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकारा, तो अशोक जिस डायनेस्टी से चला आ रहा था इसका मतलब वो बौद्ध तो नहीं थे, इसका मतलब वो लोग बौद्ध तो नहीं थे ना, वो तो हिंदू धर्म के थे, सनातन धर्म के थे। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया तो वहां शुरू हुआ। तो अशोक से पहले आप चले जाइए चंद्रगुप्त मौर्य तक, तो वहां तो कहीं सा उल्लेख मिलता नहीं बौद्ध धर्म का। और अशोक जो है वो ईसा से 232 साल पूर्व, ईसा से 232 268 पूर्व। मैं बड़ा टेक्निकल बता रहा हूँ कि कैसे मक्कार धूर्त और झूठे लोग हैं ये। और मनीष जी आदि शंकराचार्य का क्या कालखंड है, आदि शंकराचार्य का कालखंड है ईसा से 500 वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व ईसा से 500 वर्ष पूर्व। तो ये पागल है, बता रहा है कि ये सारे स्तूप जो थे वो शंकराचार्य ने तोड़वा दिए। तो ये जो अशोक ने तो उसके 300 साल बाद बनाए, 250 साल बाद। तो उससे पहले कौन सा बड़ा उल्लेख होता है, ना चंद्रगुप्त का मिलता है, ना बिंबिसार का मिलता है, ना समुद्रगुप्त का मिलता है, किसी का तो नहीं आता। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तो अशोक ने शुरू किया, उसकी बदौलत वो आज गिना रहा था कि फलाने देश में चले गए, फलाने देश में चले गए, गए किसके, अशोक के कालखंड में। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था भगवान बुद्ध। तो ये तो 250 साल, जो आदमी 250 साल पहले हुआ था उसके ऊपर पाप मढ़े दे रहा है औरंगजेब जैसा है, तो ये कैसे सरासर जरूरी, ये इसलिए स्पष्ट करना जरूरी है कि मनी जो मुल्ला आते हैं, मैंने कहा ना ये मुल्लाओं को खुश करने के लिए कर रहा था, वो जो 1.5 फुटी मुल्ला लेके आते हैं 5 बजे बैठक में, वो सब बताते हैं कि शंकराचार्य ने भी तो मंदिर तोड़े थे, वो बौद्धों के मंदिर तोड़े थे। उनसे कोई मूर्खों से पूछे कि
कि अशोक से पहले था कहाँ बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध जरूर थे लेकिन उनके अनुयायी नहीं थे। एक शासक ने जब हाथ रखा तो बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। तो पहला तो ये, अब दूसरा मनीष जी अब जरा इस मूर्ख से पूछे कि अशोक ने जब बनाया, जिस समय तक्षशिला को तोड़ के आग लगाई गई, तो वो शंकराचार्य आए थे या सनातन धर्मियों ने तोड़ा था? और तक्षशिला सर, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था वो बौद्ध धर्म का ही बहुत बड़ा केंद्र था, तो उसको वो जो मनी जिसके नाम से आपका स्टेशन भी है, वही नालंदा स्टेशन उसी के नाम से है, वो मुसलमान सरदार उसने उसको जलाया था, 9 महीने जला था। तो राम गोपाल यादव को मालूम नहीं क्या? अगर ये इतना मूर्ख है तो इसको अपनी प्रोफेसरी छोड़ देनी चाहिए, या जो बच्चे इसके इससे पढ़ते हैं वो जरा सावधान हो जाएं कि कैसा है झूठा और मक्कार आदमी है। बिल्कुल, और ये आदमी उस पार्टी में पढ़ा लिखा विद्वान माना जाता है, लेकिन इसी के माध्यम से क्यों ये षड्यंत्र किया गया ये समझा जा सकता है। मुझे लगता है कि इस पे कार्रवाई बनती है कि आपने इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर गलत, यही तो षड्यंत्र इस देश के साथ लगातार हुए हैं, इसको समझने की जरूरत है। नहीं, इससे इससे पूछे कि तक्षशिला किसने जलाया था, तक्षशिला कह रहा हूँ, नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया था, तक्षशिला कह रहा था मैं, नालंदा किसने जलाया था, तक्षशिला को किसने तोड़ा, वो शंकराचार्य आए थे, वो मनीष जिसका नाम लीजिए जिसका स्टेशन ना। नालंदा जिसने जलाया था उसके नाम से आज भी स्टेशन है, बख्तियार खिलजी, हाँ बख्तियारपुर, जिसके नाम से बख्तियारपुर स्टेशन है, बख्तियार खिलजी, वो का शंकराचार्य था। तो ये केवल हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और मुसलमानों को खुश करने के लिए औरंगजेब की गुणगान कर रहा है और आदि शंकराचार्य को अपमानित कर रहा है। तो इसके ऊपर तो मनीष जी क्या कहूँ, इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके लौंडे की ये सब जो है सीबीआई में समय नामजद, इसकी इसकी फाइल खुलनी चाहिए मनीष जी, और यह आके बताए कि नालंदा किसने तोड़ा था। बिल्कुल, और मतलब ये चीख चीख करके नालंदा कह रहा है कि बौद्धों के जो और मनीष जी, और मनीष जी सबसे खास बात, वो चारों शंकराचार्य क्या भांग पिए लेते हैं जो मंदिर का मुहूर्त बता रहे थे, आज जब ये कह रहा है कि आदि शंकराचार्य को कह रहा है कि औरंगजेब से बदतर थे, औरंगजेब से ज्यादा बड़े पापी थे, तो वो चारों शंकराचार्य जो उन्हीं आदि शंकराचार्य के कमाई का खा रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, उनमें से कोई अपना मुंह खोलेगा इसके खिलाफ कि बेशर्मी ओढ़े लेटे रहेंगे? वो मंदिर बदलते आ गए थे कि ये मुहूर्त गलत है, आधा बना है पूरा बना है, वो आदि शंकराचार्य जिनके नाम पर तुम रोटी तोड़ रहे हो पिछले कई वर्षों से दशकों से, उसको वो औरंगजेब से बड़ा पापी कह रहा है ये राम गोपाल यादव, तो वो जो चारों शंकराचार्य हैं वो जागेंगे कि बांध पिए सोते रहेंगे? देखिए मनीष, इंतजार करिए वो चारों शंकराचार्य क्या कहते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल जोड़ दिया है इससे, और इन शंकराचार्यों से इस राम गोपाल यादव के इस बहसी पने का, इस राम गोपाल का जो ये बाबर पने का जो पाप है वो उससे पूछा जाना चाहिए कि ये राम गोपाल क्या बोल रहा है। नालंदा का साक्ष्य चीख कर बता रहा है कि न सिर्फ सनातन भारत में, और मनीष जी ये न्यूज चैनल, वो मंदिर अभी पूरा बना है कि आधा बना है, प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर शंकराचार्यों के घुस गए थे, कल जरा जाके घुसो कि राम गोपाल यादव ने ये कहा है, तुम क्या कहते हो, इनके माइक कौन लगाएगा इनके मुंह में, यही लगाने जाए ना, जाए जरा ये न्यूज चैनल पूछे कि अब इसने ये कहा है तुम्हारे आदि शंकराचार्य को औरंगजेब से बड़ा पापी कहा है, तुम कुछ बोलोगे, मुंह से बकरोगे अपने कि दूध मलाई रबड़ी खा के लाखों रुपये चढ़ावा आता रहे और मौज लोगे और देश के प्रधानमंत्री या भगवान राम का मंदिर बनेगा तो परपंच करोगे, और जब आदि शंकराचार्य को औरंगजेब से ज्यादा जो जगत जग कुख्यात हत्यार बलात्कारी था उससे भी बदतर आदमी कहा जाएगा तो मुर्दों की तरह मौन रहोगे। जरा इन शंकरा ये राम गोपाल यादव का ये बयान इन चारों शंकराचार्यों की अग्नि परीक्षा है और ये पूरी तरह बेनकाब हो जाएंगे मनीष जी इसमें। बिल्कुल, और हम यहीं से सही में शाम लोग आह्वान करते हैं कि टीवी चैनलों पे यदि सुनाई दे रहा है तो ये सवाल उससे पूछा जाना चाहिए। सही बात है, नालंदा से बड़ा वो सबूत क्या है बौद्धों के पहचान का, भारत की पहचान का, और उसे बख्तियार खिलजी। और देख कमाल की बात है कि आज भी सर बख्तियारपुर है, आज भी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है, और कहां बिहार के वर्तमान चीफ मिनिस्टर का जो नेटिव प्लेस है जन्म स्थान वहां पर, तो ये राक्षसी साक्ष्य वो बरकरार है। मुझे लगता है कि आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा छेड़ा है, इस हिस्से को भी लोगों को आगे तक पहुंचाना चाहिए, वायरल करना चाहिए, और इस तमाम विषय को ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय।